हाय फ्रेंड्स, आपको हम बताए थे कि जो है इलास्टिसमी डीएल स्पाइन को हम कैसे काटते हैं, थ्री डी कैसे बनाते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि इस थ्री डी को जो है फिल्मिंग कैसे करते हैं, और चाहे डीएल स्पाइन हो, चाहे एलएस स्पाइन हो, या चाहे थोरेसिक हो, वर्टिब्रा हो, या एब्डोमिन का हो, या यूरोग्राफी का हो। तो आज हम आपको बताते हैं कि थ्री डी की जो फिल्मिंग होती है वो कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्मेट बनाते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि यहाँ से कैसे इसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये देखिए, तो हमारा जैसे कि जूम होना चाहिए, तो देखिए मैं इसको एक वीडियो देखिए, हम इसको काट लिए हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इंटरव्यू व्यू लेते हैं, इंटरव्यू क्लिक किए, इसको इंटरव्यू पे जाके सेव इमेज कर लेते हैं। देन उसके बाद पोस्टरियर व्यू करते हैं, पोस्टरियर जा करके मैं सेव कर लेता हूँ। फिर राइट करते हैं, राइट आता है, राइट पर हम शो कर लेते हैं, इसको सेव कर लिए। इसके बाद आपका लेफ्ट आता है, लेफ्ट हम शो कर लिए। और फिर हम राइट क्लिक करके राइट का देन हम ऑब्लिक ले लेते हैं, ताकि स्पाइन को हमें हर व्यू से दिखाना पड़ता है ना, ताकि डॉक्टर भी जो देख सकें कि हाँ किस व्यू पे आया है। फिर लेफ्ट पे क्लिक करके लेफ्ट का हम ऑब्लिक ले लेंगे, ठीक, लेफ्ट का ऑब्लिक ले लेंगे। फिर इसके बाद पोस्टरियर क्लिक करेंगे, पोस्टरियर का हम ऑब्लिक ले लेंगे, ताकि हम जो है स्पाइनस दिख जाए। फिर इसके बाद पोस्टरियर का हम राइट कर लेंगे, पोस्टरियर का हम लेफ्ट का ऑब्लिक ले लेंगे, ले लिए। देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा से ऑब्लिक कर्व करके लेते हैं, ताकि सब चीज़ें दिखें। राइट का भी लेंगे, फिर हम जो है लेफ्ट का भी ले लेंगे, ठीक, हल्का से कर्व करके या इसको घुमा के चारों तरफ से। इसके मतलब ये होना चाहिए कि हम किसी भी एंगल से, किसी भी एंगल से या किसी साइड से भी हमारा इमेज न कट पाए। तो हम ले लेते हैं, तो इस शेप पर लेते हैं। तो हम देखिए कि यहाँ से हम इस आईडी को क्लोज कर देते हैं। अब हमने ऑलरेडी सेव कर लिया है, फिर हम देखते हैं कि जो हमने सेव किए हैं, तो देखिए नीचे आया सेव, सेव वाला व्यू करके देख लेते हैं कौन कौन सा। देखिए इंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट, लेफ्ट, राइट ऑब्लिक, लेफ्ट ऑब्लिक, उसके बाद पोस्टीरियर का स्पाइन जो आता है ऑब्लिक, राइट का, फिर लेफ्ट का ऑब्लिक, फिर उसके बाद कर्व देखिए, चारों एंगल्स हमने लिए हैं। तो फिर देन क्या करते हैं फ्रंट से, ये देखिए यहाँ जाएंगे, फिर ये वाला है, तो हम हमारा जो रोड वाटर हो इसमें से जो फिल्मिंग होता है वर्क कंसोल ऑपरेटर, तो हमारा कंसोल देखिए, हमारे कंसोल ऑपरेटर है। तो हम इसको यहाँ पे जाते हैं नेटवर्क पे, नेटवर्क पे हाउस पे क्लिक करेंगे, फिर ए डी डब्ल्यू आता है, ए डब्ल्यू क्लिक करिए, फिर इसको ओके कर दीजिए। यहाँ जाएंगे तो हम सीरीज करेंगे इसको, हमें इमेज केवल हमको इसी ही भेजना है ना, तो हम क्या करते हैं सेंड सीरीज करके ओके कर देंगे। तो देखेंगे फ्रेंड इस पर आ जाता है, तो जब इस पर आ जाता है तो हमें इस पर देखिए कि टाइमिंग होती है किस पे है। तो देखिए हम इसमें जो है ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर से भेज दिए हैं, कंसोल ऑपरेटर जो होता है कंसोल ऑपरेटर से हम भेजते हैं वर्क स्टेशन पर आ जाता है। वर्क स्टेशन देखिए आ गए तेज प्रताप शर्मा, इस पर ओके करेंगे। फिर देखिए यहाँ से जाएंगे हम, देखिए एम आर आ गया, ये हमारा इमेज जो आ गया। तो यहाँ से करते हैं लेआउट मैनेजर पे क्लिक करते हैं, कस्टम जाएंगे, कस्टम से करेंगे इसका इमेज दे, इसका फॉर्मेट देखिए बन गया है। तो हमें क्या क्या लेना है, जैसे कि 13 इमेज है तो हम 7×21 लेंगे, 7×14 इमेज, तो 14 लेंगे हम, ये हमारा लंबाई में आ गया देखिए। तो इसका जो फॉर्मेट है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जाएंगे हम, यहाँ से कस्टम से यहाँ पे जाएंगे, 6×12 यानी कि 6 की लंबाई, 2 की चौड़ाई हो गई और 6 की लंबाई होनी चाहिए। ये देखिए लंबाई में 6 के फॉर्मेट बनाएंगे, ये फॉर्मेट हमारा बन का गया। इसमें देखिए जबकि हमारा 13 इमेज था, एक इमेज कम हो गया है, तो क्या करते हैं एक की इमेज इसमें से जो ज़्यादा होता है वो डिलीट कर दें। अब फिर यहाँ पे आल सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे जाएंगे हम F2 दाबेंगे, F2 दाबेंगे, देखिए F2 ना, F2 दाबेंगे फिल्मिंग आ जाता है, इसको फुल इमेज कर देंगे। फिर यहाँ जाएंगे, इसको यहाँ से हम क्या करते हैं जूम कर लेते हैं, जूम उतना करते हैं जो कि हमारा जो स्पाइन दिखता रहे, ठीक, 3D फिल्मिंग। अब इसको जो है हम हल्का हल्का से क्या करते हैं साइड्स कर लेते हैं, ताकि फिल्मिंग जो हमारी अच्छी हो, बीचों बीच आए फिल्मिंग। कभी कभी हम आल सिलेक्ट करके, कभी कभी होता है हम एक एक फिल्मिंग को बनाते रहते हैं, एक एक फिल्म की बनाते रहिए, तो बनाते रहिए, ठीक।
और फ्रेंड से भी जान लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए को हमको एक फिल्म बन गया है, अगर इस फिल्म में हमें नाम लिखना है तो हम इसमें भी टाइप करके नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जो नाम लिखना है इस फिल्म पे जाएंगे, यहाँ पे नाम लिख सकते हैं आराम से, इसमें भी लिख सकते हैं, ऑप्शन होता है यहाँ पर लिखने के लिए भी होता है। और इसको जैसे यहाँ पर आ गया तो हम यहाँ भी कर सकते हैं इसको, ये हमारे फिल्मिंग जो बन गया। यहाँ जाएंगे फ्रेंड्स, इसको आपको जूम वूम करके अपना सेटिंग वेटिंग करना है, फिर उसके बाद यहाँ जाएंगे, फिर मिनिमाइज करेंगे, यहाँ से प्रिंट आउट दिए, प्रिंट आउट कर देंगे, फिल्म निकल जाएगा सेम टू सेम, ठीक। तो फ्रेंड्स से हमारा जो 3D का फिल्मिंग जो है कैसे बनाते हैं, कैसे काटते हैं और उसका फिल्मिंग हम बता दिए कैसे बनाते हैं। सबसे आसान तरीका है 3D का फिल्मिंग बनाना। इसी तरह जो हमारा 3D बनता है, जो LDL स्पैन होता है, LS स्पैन होता है, या अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब आता है, तो 3D के इसी तरह काटते हैं और इसी तरह जो फिल्म क्या करते हैं बनाते हैं। तो आपको हम वीडियो बना दिए कि 3D भी कैसे काटते हैं और 3D की फिल्म कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि सिटी ब्रेन कैसे करते हैं हमें, सीसीटी या कंटास्ट ब्रेन हो या जो प्लेन ब्रेन का हो, हम कैसे करते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते रहेंगे। हाय फ्रेंड्स।